हेलो नमस्कार, बृंदमार चरण में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर भोपाल में चर्चाएं चल रही हैं। जल्दी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की घोषणा की जाएगी, महापंचायत बुलाई जाएगी। अतिथि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों ने बताया है कि शिवराज सिंह चौहान जी से अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण को लेकर बात की गई है। तो उन्होंने बोला है कि जल्द ही अतिथि शिक्षकों को भोपाल बुलाएंगे और नियमितीकरण का फैसला लेंगे। तो मैं इसके बारे में पूरी विस्तार से आपको जानकारी देने वाला हूँ। और रविकांत गुप्ता जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, पूरी विस्तार से मैं जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि रविकांत गुप्ता हैं वहाँ पे, पीडी खेरवार भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी वहीं पे हैं। इनकी सभी की बात चल रही है, मीटिंगें चल रही हैं, यहाँ भोपाल में बैठे हुए अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के ऊपर चर्चा की जा रही है। जब तक नियमितीकरण नहीं होता तब तक ये भोपाल में रहेंगे, ठीक है। इसके बारे में पूरी विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। कोई साथी इनका विरोध कर रहे हैं, ध्यान दें इन चीज़ों को कि हमारा ही नुकसान होना है। और ऐसे साथियों के लिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप शिकायत करिए और अपनी शिकायत हमारे पास भी सेंड करिए, हम उसको माननीय आयुक्त महोदय, प्रमुख सचिव महोदय लगाएंगे। और नहीं, अगर यहां से भी बात नहीं बनती तो फिर आप लोग कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। लोग आप लोग भोपाल में बैठे हैं, पीडी घर बार सब लोग क्या कर रहे हैं? सर भोपाल में बैठे हैं जो भी हैं आप, चंद्रकांत जी आप भी आइए भोपाल में, दो चार दिन बिताइए और देखिए कि क्या कर रहे हैं हम लोग। देखिए घर में बैठ के लिखना बोलना बहुत बड़ी बात है, अब जो मैं बातें भी बोल रहा था वो बहुत पुरानी बातें हैं। अब प्रेजेंट टाइम पे क्योंकि लगातार भर्ती हो रही है, लगातार हम बाहर हो रहे हैं, तो सर अब हम सरकार से ही मांग करेंगे कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए, ठीक है। आप पास हैं, अच्छी बात है हर्ष जी, लेकिन लोग पास हैं मुझे पता है, बहुत सारे लोग हमारे साथी पास हैं। अभी हम तो सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि जो साथी, अभी आपने देखा होगा कि माननीय न्यायालय ने एक आदेश दिया है कि जिन लोगों ने कोर्ट में केस लगाया था कि जो 40% और 50% पाए हुए हैं उनको भी पास माना जाए, तो अच्छी बात है आप पास हैं। और हम भी तो ये बात कर रहे हैं सरकार से कि जो हमारी जो पासिंग मार्क हो, मार्क है 33% रखी जाए। रतन जी सर्गेस्ट में मोबाइल नंबर चेंज करने से आईडी बदल जाएगा क्या? नहीं, मोबाइल नंबर चेंज करने से आईडी नहीं बदलेगी, ये ऑप्शन चालू हो गया है। हाँ गलती है सर, हम भी मान रहे हैं, लेकिन देखिए गलती ये भी है कि हम एक बार स्कूल से जुड़ गए और लगा पहले ऐसी नौबत नहीं थी, साथी काम करना शुरू कर दिया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि डीएड बीएड की एक बाढ़ सी आ गई 2011 के बाद से, बिल्कुल लोगों ने ऐसे डीएड बीएड किया कि और हम क्या हो गए स्कूलों में जुड़ गए। 2016 तक 2018 तक अगर आप देखिए तो 80% गेस्ट टीचर ऐसे थे जो नॉन डीएड बीएड थे, अब वो स्कूल भी जा रहे थे तो डीएड बीएड कैसे करते, आपको ये भी सोचना था, पैसे भी होने चाहिए, क्योंकि सरकार ने आपको मतलब रियलिटी बता दूं कि सरकार ने जब गेस्ट टीचर की भर्ती की थी तो उन्होंने अपनी कमियों को छुपाने के लिए, मेरी बात समझिएगा कि उन्होंने अपनी कमियों को छुपाने के लिए 2007 में वैकेंसी निकाली गेस्ट टीचर की। उनने क्या कहा कि जो भी लड़का गांव में पढ़ा लिखा हो, प्राथमिक शिक्षा के मतलब प्राइमरी के लिए 12वीं पास हो, हाई स्कूल मिडिल के लिए बीए मतलब ग्रेजुएशन हो और हायर सेकेंडरी के लिए स्नातक किया हो, सॉरी मतलब कि जो पीजी किया हो उसको लेना है। उनने ये नहीं कहा कि डीएड लेना के बीच, क्योंकि उस टाइम तक मध्य प्रदेश में शिक्षकों की बहुत भारी कमी थी। हमने आरटीआई लगाया था, एक सत्र में ऐसा हुआ है कि जिस साल हमारे 119,000 गेस्ट टीचर कार्यरत रह चुके हैं। इस बात को आप भी समझ रहे हैं कि सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए गेस्ट टीचर की भर्ती की थी, उन्होंने गांव के जो लड़के 12वीं पास हुए, जिनने ग्रेजुएशन कर लिया, जिनने पीजी कर लिया, उनको रख लिया। 2011 तक ऐसे चलाया, ऐसे 2011 के बाद क्या हुआ कि फिर थोड़ा बहुत हर गांव में रखा गया और बृहद संख्या में बढ़ी। जब 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार घोषणा कर दी रीवा में कि हम इनको नियमित करेंगे, उसके बाद से लोगों ने सीरियस होना शुरू कर दिया। तब भी 2500 रुपए ही पेमेंट मिल रही थी, लेकिन 2018 में कोर्ट केस हुआ और 18 में कोर्ट केस हुआ, माननीय न्यायालय ने जब संज्ञान लिया कि इतने कम पेमेंट में लोग कैसे काम कर पा रहे हैं, तब सरकार ने पेमेंट बढ़ाया। और जब आंदोलन होना शुरू हुए 2013 के बाद, काफी आंदोलन हुए, तो फिर सरकार और लोग भी देखना शुरू किया कुछ हो रहा है, और ये 25% आरक्षण के कारण ही आज इतनी संख्या में लोग जुड़ गए हैं। तो सरकार ने 2018 में 25% आरक्षण दिया, उस आरक्षण को लेने के लिए लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि यार हम भी कर लें, हम भी कर लें, हम भी कर लें। इस कारण से आज संख्या लगभग 1.5 लाख पहुंच गई हमारी। कोई साथी अभी लिख रहे थे, कौशिक जी लिख रहे हैं 50,000 को 5 से 10 दिन के लिए अपने खर्च पर भोपाल में रुकने के लिए ठान लेना चाहिए, संभव नहीं है सर, क्योंकि एक अनपढ़ को समझाना आसान है पर पढ़े लिखों को समझाना आसान नहीं है, आप भी जानते हैं।
ये संभव नहीं है। आंदोलन होते हैं, लोग आंदोलन में आते हैं तो उसमें से 20% तो अपना काम लेके आते हैं, बस ग्राउंड में आएंगे, देखेंगे और निकल जाएंगे घूमने। 10 से 15% घूमने के हिसाब से आते हैं, 15 से 20% लोग तो बस वीडियो बनाते रहते हैं, यहाँ वहां टहलना, खाना खाने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, बस इन चीजों में। और 20% लोग ऐसे होते हैं जो सच में आंदोलन करते हैं, और अंतिम में जब पुलिस आएगी, जब भगाएगी ग्राउंड से, मैंने देखा है कि बोलते थे नेता भागते हैं, इस बार पूरे नेता ग्राउंड में आके बैठे हुए थे, इसके बाद पब्लिक जाके रोड से तमाशा देख रही थी, और बाद में क्या बोलेंगे कि संगठन ने धोखा दे दिया। सर मुख्यमंत्री जी से मिलना कोई बड़ी बात आप नहीं है, आप ये आपको लग रहा है, तो आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी इस टाइम पे इतना बिजी हैं कि भोपाल में वो रुकते ही नहीं, और जहां भी लोग मिल रहे हैं तो लोग इतना शोर मचाते हैं कि कोई बात वो अपनी उनसे रख ही नहीं पाते। तो मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, जो कर्मचारी संघ के नेता हैं उनसे मिल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी से मिलवाइए। आप लोग अगर 3 में 51, हम तो विरोध भी तो नहीं कर रहे हैं आपका, हमने कब कहा कि पद भर्ती मत करो, हमने विरोध भी नहीं किया, अच्छी बात है 51,000 पद हो जाए, आपकी भर्ती हो जाए। अभी भी हम तो, अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा कि सरकार ने 1,53,000 नई वैकेंसी जारी की है शिक्षा विभाग में, हमको तो कहीं डाल दो तो चपरासी बना दो, हम बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लो भर्ती, कोई दिक्कत नहीं। एक हम मतलब हमको जिस प्रकार से आज हम 10 साल से काम कर रहे हैं, हमको काम में लगे रहने दे सरकार। हाँ राम जी, राम बलवान मीना जी, बिल्कुल, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि अनुभव के आधार की हम बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि कहीं से भी, कहीं से कहीं तक उन लोगों को बाहर किया जाए, अनुभव की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर हो उससे मतलब नहीं है। कौशिक जी आपको क्यों नहीं मिल रही है, कारण मैंने आपको सुबह मैंने चलाया था, और मैंने आपको नंबर भी दिया था कि आप मुझसे संपर्क करें, तो क्यों नहीं हो रहा है, इसमें हम बात करेंगे। बर्ग दिन वाले विरोध प्रदर्शन के कारण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, कोई आगे की योजना बताएं आप लोग की, अब आगे करें क्या, आप लोग भोपाल में बैठकर हम लोगों का मार्गदर्शन करें। देखिए सर, हम लोग भी अभी ऐसा कोई काम नहीं करते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमारे पक्ष में बात कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, हर मंच से बोल रहे हैं, तो अभी हम ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते कि सरकार हमसे नाराज हो जाए। हम 15 अगस्त तक सरकार को समय हमने दिया है, तो 15 अगस्त तक पूरी तरह सरकार के सामने हम हाथ फैला के खड़े हुए हैं कि सर जो आपको देना है आप दे दीजिए। 15 अगस्त के बाद हम कोशिश करेंगे कि सरकार से बात करना, कि भाई अगर आप नहीं करोगे तो फिर हमारे साथ ही आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। आप ये मिनी हैप्पी लाइफ वाले नाम वगैरह भी लिखा करिए, स्कूल से बाहर कर दिया गया है और मेरी जगह पर न्यू अतिथि शक्ति रख लिया गया है। सर मैंने इसके लिए सुबह बोला था, आपने मुझे कॉन्टेक्ट नहीं किया, आप नंबर लिखिए 9630342097, रिपीट कर रहा हूँ 9630342097, इस पे कांटेक्ट करिए, मुझे व्हाट्सएप करिए डिटेल अपनी पूरी। तो आप लोग, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आज आया था आंदोलन में, प्रशांत राजावत के साथ था मैं, आप लोग आंदोलन देख रहा था मैं। जी संजू सर जी, आप बेफिक्र रहिए, अनुभव की बात ही हो रही है, 12 मई का सेवा काल सब कुछ, 15 अगस्त के बाद क्या योजना, 15 अगस्त के बाद भी हम एक बार सबसे मिलेंगे, निवेदन करेंगे, और इसके बाद अगर कुछ होता है, सरकार नहीं मानती, तब तो फिर आगे बात करेंगे। पीडी खरवार जी कहाँ गए, खरवार जी की तबीयत खराब है, सर्दी जुकाम हो गई है, वो बोलने में असमर्थ है, इसलिए कल भी वो लाइव नहीं आ पाए थे, आज भी नहीं आ पाए, भोपाल में ही है। हम किसी की बात नहीं करेंगे शंभुचरण जी, एक बात आप इस बात को ध्यान रखिए, राम सिंह कौन है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो शंभुचरण दुबे हो, सुनील सिंह परिहार हो, मनोज मिश्रा हो, शायद मनोज मिश्रा ने संगठन का अच्छा खड़ा करके दिया तब आज आप लड़ पा रहे हैं, शंभुचरण दुबे ने अच्छा खासा आंदोलन किया, भले उनने क्या किया क्या नहीं किया कैसे किया, कुछ काम गलत हुआ वो अलग बात है, परिहार ने भी अपने मन से 3 महीने का आंदोलन किया, केसी पवार जी हैं, जगदीश शास्त्री, जितने भी लोग हैं सबने कुछ ना कुछ किया है, किसी के बारे में कुछ भी बोलने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए किसी के खिलाफ पर्सनल बिल्कुल मत लिखिए। 12 मार्च सर, जब बंदों की बात करें तो बोनस अंक की मांग करिए तभी न्याय होगा, सर बोनस अंक भर्ती में है ना, हम अभी तो सिर्फ, अगर गेस्ट के लिए नीति बनेगी तो वो अलग नीति है, और जो बोनस अंक की नीति है वो अलग नीति है, उसके लिए बाद में बात होगी। महापंचायत कब तक हो रहा है, तीन बिंदु पर विचार, महापंचायत की उम्मीद तो हम लोग लगा रहे हैं 15 अगस्त के पहले हो जाए,
अभी तक प्रदीप जी ने को किसी को बुलाया नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। राम सिंह जी बार बार मत लिखिए किसी चीज को। बिल्कुल नियमित होंगे। मैं आरपी सर जी आपका नंबर दें, मैंने अभी नंबर बताया था आपको, लिख लीजिए कौशिक जी, 9630342097। प्लीज बार बार कॉल मत करिएगा, जो कुछ भी होगा मैसेज के मैसेज से बात करिएगा। रविकांत गुप्ता जिस चैनल पे आप देख रहे हैं मैं ही हूँ, मेरा ही नाम है। नहीं, प्रवीण पांडे जी आप सही लिख रहे हैं, कोई बाहर, अगर आप कार्यरत हैं कोई आपको बाहर नहीं कर सकता। मैंने पहले ही बोला है कि जो साथी डीएड बीएड नहीं किए हुए हैं, 18 तक में जो 2020 का ऑर्डर हुआ है, 21 का ऑर्डर हुआ है, 22 का ऑर्डर हुआ, 23 का ऑर्डर हुआ, सभी में पूर्व में कार्यरत अधिक शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए कहा गया है। कहीं भी ये निर्देश नहीं दिया गया है कि जो प्रशिक्षित नहीं है उन्हें बाहर कर दिया जाए, इसलिए कोई भी बाहर नहीं होगा। जो बाहर भी हो रहे हैं तो सभी साथी उनका सपोर्ट करें। राम सिंह जी लिखिए, 9630342097, 9630342097। सर ये 30% का लोशक थोड़ा है मैं भी समझ रहा हूं, पर 30% का रिजल्ट केवल बोर्ड पे ही होना है। सभी को तो संभव नहीं है सर, देखिए क्योंकि इतने पद नहीं है, सभी की बात तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, एक टर्म बेस पे, मतलब एक निश्चित क्राइटेरिया सेट करके धीरे धीरे अंदर ले सकती है। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक कुछ कर ही देगी, पर उम्मीद है कि 15 अगस्त तक हमारी बैठक सरकार के सामने हो जाएगी। सर प्रमोशन और ट्रांसफर से लोग बाहर हो रहे हैं, इस चीज का दुख हमें भी है, क्योंकि पिछले वर्ष मैं भी ट्रांसफर से बाहर हो गया था, बड़े मुश्किल में दोबारा ज्वाइन किया हूँ, तो कितना दुख होता है मुझे पता है, पर हमारी नीति ही ऐसी है कि हम क्या कर सकते हैं। पर अभी भी हमने आवेदन दे दिया है कि अगर ट्रांसफर से होते हैं तो अगर जो अतिथि शिक्षक यहाँ से वहाँ होते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें एडजस्ट किया जाए। जी कौशिक जी सही बात है आपकी, 1500 रुपये खर्च होंगे, लेकिन लोग 1500 रुपये भी खर्च नहीं करते। यहाँ तो अगर लोग कभी संगठन के लिए भी बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लोग चंदा ले चंदा उगाना शुरू कर दिए। नहीं, आप लोग बिल्कुल भव्य स्वागत करिए संजय जी अनूपपुर में, और जितना हो सके नारेबाजी नहीं करिए, बस उनसे एक ही बात, महापंचायत की डेट कब है, जब वो आए शांत हो जाए, जितना बल्कि महिलाओं को आगे करें, तख्तियों में लिखे कि महापंचायत की डेट बताइए महोदय, कोशिश यही रहे फूल बरसाएं, पर नारेबाजी बिल्कुल नहीं करिए, शांतिपूर्वक उनको सुने। जब तक वो सुनेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम क्या होता है जब हमारे पास पहुंचते हैं चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ये कौन है, मिसवा अली जी, ठीक है आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप मुझसे संपर्क करिएगा, मैं बात करूंगा आपसे, जो भी होगा आपका निर्णय हो जाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। मैं बता चुका हूँ रघुवंशी जी, संगठन एक ही हमारे संगठन की एक ही मांग है कि अनुभव के आधार पर नियम बने, जो उस क्राइटेरिया में आ जाए उसे आप अंदर करिए, जो नहीं आ रहा है उन्हें समय दीजिए, और 1 या 2 साल के अंदर उन्हें भी अंदर कर लीजिए। वेतन तो देखिए, वेतन तो बढ़ेगा ही, उसमें कोई वो नहीं है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं हम। मैं बबलू राव राव, हमने बोला था आपसे कि सर की कोई फिक्स नहीं है कितने सत्र का, वो सरकार के हाथ में है, वो क्या करती है। हमने आप लोगों सुझाव मांगे थे, आप लोग सुझाव दीजिए अपने, हम जरूर उन पे चर्चा करेंगे, हम नोट भी कर रहे हैं। जी पटेल जी बोलिए। हाँ एक चीज और है, हमने भोपाल में, हम सबसे बड़ा काम होता है संगठन का, एक बढ़िया सा ऑफिस होना चाहिए, तो भोपाल में लाल घाटी के पास हम संगठन का समन्वय समिति की ऑफिस का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें सभी लोग आए रुकें अपना काम करवाएं, और जहां पे आपको रहने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जो लोग काम करने के अभिच्छुक हैं संगठन में, तो वो लोग भी आगे आए, क्योंकि पूरा बहुत सारे साथी लोग ऐसे हैं जो थक चुके हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी अभी भी फोटो फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं बस। जी मनोहर सिंह जी, अभी सर मैं बता रहा हूँ बार बार कि सत्र कितने होंगे इसका कोई वो नहीं है। सर न्यूज 24 में बड़े चैनल पर अतिथि के बारे में, सर हमारी बातें न्यूज 24 आपने देखा होगा कि दैनिक भास्कर ने पहले पेज पे छापा है, बहुत बड़ी बात है,
आज तक कभी भी हमारी न्यूज फर्स्ट पेज पे नहीं आई, और बहुत सारे लोग उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। तो उसका कोई गलत मतलब मत निकालिए, उसका सिर्फ इतना ही मतलब था कि अतिथि शिक्षकों के लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, पेमेंट भी बढ़ेगी और कोई ना कोई नीति भी बन रही है। बिल्कुल होगा दुर्गेश जी, आप लोग बेफिक्र रहिए, इंतजार करिए, सब्र करिए, सब्र का फल मीठा होता है, जो होगा अच्छा ही होगा। क्या आप वाईफाई लाइक है? मैंने देखा नहीं सर, मुझे आप वीडियो भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे। और कृपया जितने लोग देखते हैं सब लोग चैनल को लाइक भी किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि जितने लोग देखेंगे, जितने लोग लाइक करेंगे, उतने ही ज्यादा तक हमारी बातें लोगों तक पहुंचेंगी। महापंचायत का 15 अगस्त समथिंग, कंफर्म नहीं कह सकता। सर परिहार जी सो गए, आए नहीं। शिवम शर्मा जी मत बनिए, हम लोगों ने बहुत झेला है, कृपया करके अब जो कर रहे हैं आप वो करते रहिए, नहीं पछताएंगे। प्रमोशन से आ जाएंगे तब क्या होगा, जो भी हो, मैं बोल रहा हूं ना, जो कुछ होगा सब अच्छा ही होगा। जी जी नितिन जी बिल्कुल, नितिन साहू जी का हमने आवेदन देखा है, बिल्कुल हम उसको करवा रहे हैं, और सबसे हम पर्सनल बात भी करेंगे। जिन साथियों का अगर नहीं हो रहा है, अगर अधिकारियों की बात भी नहीं मानी जा रही है, तो आप लोग कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्डर किए जा रहे हैं उसमें कोर्ट का हवाला ही दिया जा रहा है। तो आप सब लोग कोर्ट का भी बहुत, उसमें टाइम में लगना, 4 से 5 दिन में आपका ऑर्डर हो जाएगा, और इसका कोई आपको हटा भी नहीं पाएगा। नहीं, राम सिंह जी 9630342097 है, 64 नहीं, 34। नहीं, अगर एक बार हमारी बातें राजपत्र में जारी कर दी गई तो कोई कोर्ट केस नहीं लगता फिर उसके लिए, है ना, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। बिल्कुल बसंत लाल जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, सबको इंतजार तो करना ही पड़ेगा, बिना इंतजार करे काम नहीं होगा, जल्दीबाजी में समय खराब होता है। ठीक है सर, आप सब लोग भी अब आराम करिए, रात के 10 बज चुके हैं, हम भी आराम करें, सुबह फिर से मिलेंगे परिहार जी के साथ। परिहार जी से बात नहीं हो पा रही, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, अगर बेरोजगार है तो कर लीजिए आप, बिल्कुल शर्मा जी मना नहीं करूंगा। सर बातें आगे क्या बढ़ी, बस यही है कि चल रहा है, बस आप लोगों की नीति बन रही है, जल्दी बैठक होगी, यही बातें चल रही है। कोई नहीं रुकता सर, 2018 का आंदोलन याद होगा, तीसरे पहले दिन संख्या ठीक ठाक थी, दूसरे दिन बिल्कुल ग्राउंड भोपाल फुल था, तीसरे दिन संख्या आधी हो गई, कोई नहीं बैठता, 3 दिन था, सब भागना शुरू कर देते। 80% बोल तो रहा हूँ कि बहुत से तो ऐसे हैं कि बस देखने के लिए आते हैं क्या हो रहा है। ठीक है सर, सब लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग, आप सबका प्यार मिलता है, आप सब लोग जुड़ते हो। खैरवार जी नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा मुझे खेद है। तो चैनल को सब लोग लाइक किया करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए भी, जिससे अन्य लोगों को सुझाव भी आ सके, जो लोग बाहर हो गए हैं वो सब संपर्क करते रहे, सबकी बातें सरकार तक रखें।